अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए, इन लोगों का जब कुरान के बारे में जो जो गैर मुस्लिम्स के एकेडमिक्स के जो तनकीद होती है कुरान के बारे में, वो कई तरह की होती है। उसके बारे में इस हलके में ख़ास मैं सिर्फ इस बात पर बहस करना चाहता हूँ कि कुरान जमा कैसे हुआ है। मुख्तसर सी बात है, लोग कहते हैं हमारे वेस्टर्न एकेडमिक्स में, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में कहा जाता है कि दो तरह के ट्रेडिशन होते हैं, एक ओरल होता है यानी ज़बानी बात आगे बढ़ाई जाती है, कोई पुराने ज़माने का शेर है अब उसने किसी अपने बच्चों को सुनाया, उन्होंने अपने बच्चों को सुनाया, इस तरह आगे बात बढ़ी, राइट। और एक है लिखा हुआ ट्रेडिशन, यानी किसी ने कोई ट्रांसक्राइब कर ली बात, कागज़ पर आ गई, किसी चमड़ी पर आ गई, किसी पत्थर पर लिखी गई। इनके नज़दीक इन दोनों में से ज़्यादा रिलायबल कौन सी चीज़ है? लिखी हुई चीज़, क्योंकि सुनी हुई चीज़ हो सकता है किसी की मेमोरी में कोई खलल आ जाए, उसको आधी बात याद रहे, उसको वो पूरी बात याद ना रहे। हो सकता है जैसे मैं हूँ, मैं अपने बच्चों को कहानी सुनाता हूँ शेर की और चूहे की, जब मेरी बड़ी बेटी छोटे बच्चे को सुना रही होगी तो उसका अपना वर्जन है। मैंने कहा ये तो मैंने तुम्हें बताया था, कहते मुझे तो यही याद है। बदल जाती है ना बात, अगर कहीं सुनी बात आगे की जाए तो उसमें कोई ना कोई आपकी तरफ से एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाती है, वो लॉजिकल सी बात है। हमारा दावा यह है कि कुरान जब दिया गया तो लिखा दिया हो गया या ओरल ट्रेडिशन दिया गया? ओरल, लिखा तो नहीं दिया गया हमें, रसूल तो पढ़ते भी नहीं थे, लिखते भी नहीं थे, ये तो अल्फाज उनके उनकी जबान से निकल रहे हैं। और कुरान के पहले हिफाजत करने वाले असली हाफिज थे, यानी लिखने से पहले कुरान तो हिफ्ज किया गया है, लिखा तो बाद में गया है, और जो लिखा भी गया है वो इधर उधर थोड़ा बहुत इधर इधर कहीं और कहीं, एक जिस तरह आप कहते हैं ना कि एक मुसहफ है, जैसे ये भी एक मुसहफ है, ऐसे थोड़ी था। कुछ आयतें पत्थरों पे लिखी हुई हैं, कुछ चमड़ी पे लिखी हुई हैं, कुछ हड्डी पे लिखी हुई हैं, इस तरह था मामला, तो उसको आप मुसहफ थोड़ी कह सकते हैं, वो तो एक बहुत बड़ा थैला होता है जिसमें वो सारी आयत जमा होती, लेकिन वो भी उस तरतीब में ना होती, ठीक है ना। तो इनके यहाँ ये फिर मसला खड़ा होता है कि ये कुरान तो तुम लोगों का यानी एक ज़बानी ट्रेडिशन है, बाद में किताबी शक्ल इसकी हुई है, ये कैसे हो सकता है कि ये बाद में आकर वही हो जो पहले था? इसमें तो इंसान की अकल, इंसान की याददाश्त वो तो कमज़ोर चीज़ है, उसको रिलायबल कैसे समझा जा सकता है? बाय द वे मैं एक और मजीद बात का इजाफा कर दूं, इनके यहाँ अगर लिखी हुई चीज़ भी होना वो भी रिलायबल नहीं है, उसमें भी शक की गुंजाइश है। हो सकता है कि इंक ने थोड़ा सा अल्फाज मिटा दिए हों, हो सकता है कि इसका कोई और वर्जन कहीं और है, हो सकता है कि इसमें से कोई पेज मिसिंग है दरमियान में से, या किसी ने बाद में आकर कुछ तरमीम कर दिया, कुछ एडिटिंग कर दी है, बाद नुक्ते इधर उधर कर दिए, अल्फाज बदल दिए, ये भी हो सकता है ना। तो दोनों तरफ से इनके यहाँ शक ही शक है। कुरान ने इसका जवाब कैसे दिया है? कुरान ने जब कुरान के हिफ्ज की बात की है ना, इसकी हिफाजत की बात की है, तो कहा इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने जिक्र को महफूज किया है, हमने नाजिल किया है और हम ही इसके हिफाजत करने वाले हैं। इसको कुरान नहीं कहा, किताब नहीं कहा, क्या कहा है? जिक्र। जिक्र कहते हैं याद की जाने वाली चीज को। अब लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए, इस्लाम के यानी सीरत के आखिर तक, सीरत के 23 साल के बाद इस्लाम बहुत तेजी से फैला, इतना तो आपको पता होगा। उसके फैलने के दौरान भी अभी किताब छपी हुई फॉर्म में अभी किताब नहीं है, कुरान नहीं है। तो जब इस्लाम तेजी से फैल रहा है तो किताब की शक्ल में फैल रहा है या सौती शक्ल में? सौती शक्ल में फैल रहा है। और उस वक्त मास कम्युनिकेशन भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट है, ऐसा नहीं है कि यू नो ईमेल कम्युनिकेशन है, ऐसा नहीं है कि लोग फोन पर हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है, ना फैक्स है ना कुछ और है। तो लोग अब हजारों मील के फासले पर फैल चुके हैं और याद किया हुआ कुरान अब मुख्तलिफ कोनों में दुनिया के जल्दी जल्दी पहुंच चुका है। अगर यहां पर एक कुरान छपता भी है, अगर मदीने में कोई कुरान छपता भी है, कोई लिखा भी जाता है, उसका असर अब सूडान पर नहीं पड़ सकता। जो सहाबी अब इंडिया तक पहुंच गए हैं, जो सहाबी अब चाइना तक पहुंच गए हैं, उन पर उसका असर नहीं पड़ सकता, समझ रहे हैं बात? अब उनका अपना एक ट्रेडिशन शुरू हो गया है। एक वेस्टर्न एकेडमिक के हिसाब से जब इस तरह यानी सिर्फ एक सौती ट्रेडिशन, एन ओल्ड ट्रेडिशन इस तरह फैले, तो उसके अगर हजार लोगों में फैला है तो उसके हजार वर्जन होने चाहिए, लॉजिकल सी बात है। और अगर वो लोग आगे मजीद करेंगे तो जो अगर वो 10 लोगों को सिखाएंगे तो उसके तो 10 वर्जन और होने चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ एक सूरत आगे कर रहे हैं, 114 सूरतें आगे मजीद की जा रही हैं, तो वो तो इतनी वेरिएशंस हो जाएंगी, उसमें इतने मुतफरक ख्यालात होंगे कि इस आयत या आयत कैसे पढ़ी जाती है, इसका क्या मफहूम है, कौन सी आयत पहले है, कौन सी बाद में है, कौन सी सूरत पहले है, कौन सी बाद में है, इसके तो इतने वर्जन होने चाहिए कि कुछ पता ही नहीं चले कि ओरिजिनल थी क्या चीज। क्योंकि ओरिजिनल क्या है? याद की हुई चीज, ओरिजिनल लिखी हुई चीज नहीं है।
याद की हुई चीज तो इनके नजदीक सबसे अनरिलायबल है। और जैसे जैसे अगर एक साल गुजर गया, दो साल गुजर गए, दस साल गुजर गए, क्या उन वर्जन्स में या इनकी जो आपस में मुतफर्रिक इख्तिलाफात हैं, इन इख्तिलाफात में कमी होनी चाहिए या ज्यादती होनी चाहिए? ऐसी ज्यादती होनी चाहिए कि बात वहां तक पहुंच जाए कि पता ही ना चले कौन क्या क्या चीज थी। और अगर कहीं किसी एक सल्तनत में कहीं किसी ने ऑफिशियली एक मुसहफ बना भी दी तो क्या उससे क्या असर पड़ता है कि दूर कहीं किसी गांव में ना वो बात कैसे कैसे पहुंचेगी? उनका तो अपना ट्रेडिशन चलता रहेगा। अब इस बात को 1400 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अब मुसलमान इंडिया में हैं, अब मुसलमान बरसगीर में हैं, अब मुसलमान अफ्रीका में हैं, यूरोप में हैं, हर जगह दुनिया के हर जगह हर कोने में मुसलमान हैं। अभी आप भी आज किसी हाफिज़ कुरान बच्चे को जिसने अभी कुरान हिफ्ज़ किया ऑस्ट्रेलिया में और किसी और बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ किया लाहौर में किसी मदरसे में, उनको साथ बिठा के बकरा पढ़वा लें, कितना फ़र्क पड़ेगा आपको? बिल्कुल फ़र्क नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, बाई कंपेरिजन जो लोग ये बात करते हैं, ये एकेडमिक बात करते हैं, अगर उस एकेडमिक रिसर्चर जिसने ये PhD पेपर लिखा है, मैं उसका PhD पेपर घुमा दूँ, ना उसकी कोई डिजिटल फाइल है ना कोई फिजिकल फाइल है, कुछ भी, सब मैंने उड़ा दी, उसने खुद लिखी है वो खुद नहीं रिकवर कर सकता। उसने खुद लिखी है वो नहीं कर सकता रिकवर। अगर मैं आज इस, जैसे हमारे यहाँ अरविंग में टेक्सास में मस्जिद है, अगर अरविंग टेक्सास में तमाम किताबें, तमाम इंटरनेट, तमाम कम्युनिकेशन सब हटा दी जाए, कुछ भी नहीं बचा, कोई किताब नहीं बची, कोई कंप्यूटर नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, अब कहा जा रहा है कि भाई टेक्सास की कॉन्स्टिट्यूशन को रिकवर करना है इस टाउन में, उसमें कितना टाइम लगेगा? और कोई कहे कुरान को रिकवर करना है इस टाउन में, 24 घंटे की बात है, कुरान वापस, कुरान वापस। बात कहने की ये है कि ये एक ओरल ट्रेडिशन है, ओरल ट्रेडिशन में यानी बात कहीं भी बात में, आप सोचें मैं अभी आपसे 10-15 मिनट बात कर रहा हूं, मुझे क्या याद है मेरा पहला जुमला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, मुझे याद है? मुझे कोई एहसास है कि मैं 6-7 जुमलों के बाद पहली बात को आखिरी से मिलाऊं, दूसरी को सेकंड लास्ट से मिलाऊं, तीसरी को थर्ड लास्ट से मिलाऊं? मुझे इस बात का एहसास हो सकता है, मेरे दिमाग का कंप्यूटर इस तरह चल सकता है कि मैं इन बातों को इस तरह मुनज्जम करूं, इस तरह मुनज्जम, अगर मैं लिख भी रहा हूं ना, लिखने के बाद भी मुझे बार बार मिटा के दोबारा एडिट करके रीअरेंज करके फिर ऐसी तंजीम बनानी पड़ेगी, ऐसी तरतीब बनानी पड़ेगी। कुरान ने ना कभी इस तरतीब का दावा किया, ना कभी लोगों से कहा देखो इसकी तरतीब और इस तरतीब को देख के मानो ये खुदा का कलाम है। ये तो अब 1400 साल पहले मुझे जैसा बेवकूफ़ इसको पढ़ रहा है और देख रहा है, कह रहा है इसमें तो कुछ तरतीब नजर आ रही है, और ऐसी तरतीब जो मैंने कभी किसी और किताब में नहीं देखी। किताबों में एक लीनियर तरतीब होती है ना, ए से बात बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, इस तरह बात होती है, यहां हो रही है ए बी सी सी बी ए, जिस तरतीब से बात शुरू हुई उसी तरतीब से बात खत्म हो रही है, इसी तरह बात को मुकम्मल किया जा रहा है। आपका कोई अच्छा टीचर होता है ना, तो जब लेक्चर शुरू करता है तो आखिर में लेक्चर के रिव्यू कर देता है, बात मुकम्मल कर देता है, राइट? और उसकी सलाहियत सिर्फ इतनी है कि पहली बात को आखिर में दोबारा दोहरा दे। यहां पहली और आखिरी की बात नहीं हो रही, दरमियान की सारी बात भी हो रही है। इससे अच्छा कॉन्शियस या सब कॉन्शियस रिव्यू कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह, ये कुरान की तरतीब है, ये कुरान का एजाज है, और कुरान के कई पहलू हैं एजाज के, उसके अपने अपने मौजज़े के, उनमें से एक पहलू ये है। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात।